हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम। हमने इलेक्ट्रोस्टैट में अब तक चार्ज के बारे में पढ़ लिया है, आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आइए शुरू करते हैं कूलॉम्स लॉ से। कूलॉम्स लॉ क्या है इसके बारे में समझते हैं। दो चार्ज्ड बॉडीज Q1 एंड Q2, इनके बीच का सेपरेशन R है। अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड के, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। अगर इनके मैग्नीट्यूड ज़्यादा होंगे तो फोर्स की वैल्यू भी बढ़ेगी, और अगर सेपरेशन ज़्यादा होगा तो फोर्स की वैल्यू घटेगी। ये कहता है कूलॉम्स लॉ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज द फोर्स बिटवीन टू चार्ज्ड बॉडी, वेदर इट इज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। रिपल्सिव तब होंगे जब वो लाइक चार्जेस होंगे, उनका साइन सेम होगा, और अगर अपोजिट साइन के हुए तो उनमें अट्रैक्शन होगा। ऐसे फोर्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन से हम फाइनली ये लिख सकते हैं, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए 1/4πε0 की वैल्यू आती है। यहाँ पर ये हमारा फाइनल फॉर्मूला मिलता है फोर्स का फ्रॉम कूलॉम्स लॉ। ठीक है, यहाँ पर 1/4πε0 की वैल्यू 9×10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर होती है। ये वैक्यूम के लिए होती है, इसकी वैल्यू हर मीडियम के लिए चेंज होगी। यहाँ पर ये क्वांटिटी ε0 है, दिस वन इज ε0, इसकी वैल्यू 8.85×10⁻¹2 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये भी हमारे पास एब्सोल्यूट परमिटिविटी होती है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी वैक्यूम के लिए होती है ये। ओके, ये भी हर मीडियम के लिए चेंज होने वाली है, जिसकी वजह से 1/4πε0 चेंज होगा और फोर्स की वैल्यू भी चेंज होगी। तो कूलॉम्स लॉ यही है, सिंपल। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ज़्यादा होंगे तो फोर्स की वैल्यू भी बढ़ेगी, एंड इनके बीच सेपरेशन अगर बढ़ता है तो फोर्स की वैल्यू घटेगी। यहाँ पर इन दोनों को हम एक साथ लिखते हैं, फर्स्ट और सेकेंड को एक साथ लिखते हैं, तो ये आता है। प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए 1/4πε0 आता है, और यहाँ पर ये मीडियम डिपेंडेंट होता है, इस वजह से फोर्स भी हमारा मीडियम डिपेंडेंट होगा। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको समझते हैं। फर्स्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मीडियम डिपेंडेंट, एज वी हैव सीन हेयर। हमने देखा यहाँ पे 1/4πε0 हर एक मीडियम के लिए डिफरेंट डिफरेंट होगी। अगर इनके बीच हमने ऑयल रख दिया तो फोर्स डिफरेंट होगा, वाटर रख दिया तो डिफरेंट होगा, एयर रख दिया तो डिफरेंट होगा, तो ये मीडियम डिपेंडेंट फोर्स होता है। जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसा कुछ नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट अ मीडियम डिपेंडेंट फोर्स। ओके, दूसरा है, इट इज़ अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स is conservative फोर्स के बारे में हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था। वर्क डन बाई दोज फोर्सेज डू नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ ट्रेवल, इसका मतलब ये हुआ कि पाथ पे डिपेंड नहीं करता इसके थ्रू वर्क डन। वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑन पाथ ट्रेवल, शुरुआत के और बाद के पॉइंट से मतलब होता है हमें। ठीक है, किस पाथ को फॉलो करते हुए हम अचीव कर रहे हैं सेकंड पॉइंट को, इससे कोई मतलब नहीं है। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन से ही मतलब होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। थर्ड पॉइंट, इट मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। देखिए, लाइक चार्जेस होंगे, दोनों पॉजिटिव होंगे, रिपल्शन होगा, अनलाइक चार्जेस होंगे, अट्रैक्शन होगा।
तो यही बात है इसमें बताई गई है, यहाँ पर अट्रैक्शन और रिपल्शन का दोनों फोर्स लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में, ठीक है। तो ये रहा आपका कूलॉम्स लॉ। आइए हम इसके बारे में और भी समझते हैं। कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में ये आपके पेपर में एक्सप्रेशन आ सकता है, इम्पोर्टेंट है सीबीएसई में, समझते हैं। सपोज वी हैव टू चार्ज्ड बॉडीज प्लेस्ड एट ए एंड बी, यहाँ पर क्यू वन है, यहाँ पर क्यू टू है, इनके पोजीशंस आर वन एंड आर टू है, इनके दो पोजीशंस हैं, लिखना होता है यहाँ पर कंसिडर टू चार्ज्ड बॉडीज क्यू वन एंड क्यू टू प्लेस्ड एट पॉइंट ए एंड बी हैविंग पोजिशन वैक्टर आर वन एंड आर टू, ये क्यू टू है, ये क्यू वन है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। ओके, फ्रॉम ट्रायंगल लॉ वेक्टर के, ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा हुआ है, सपोज हमने ये ट्रायंगल लिया, इस ट्रायंगल में देखते हैं ओ बी एक वेक्टर है, बी ए एक वेक्टर है, ओ बी वेक्टर के हेड पर बी ए वेक्टर का टेल रखा हुआ है, इससे मिलकर हमारे पास जो ओ ए मिलता है ये वेक्टर इन दोनों का सम होगा। अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ये लिख सकते हैं ओ बी प्लस बी ए इज इक्वल्स टू ओ ए। ठीक है, तो इस बी ए की जो वैल्यू होगी ओ ए माइनस ओ बी होगी, ओ ए की क्या वैल्यू होगी, ओ ए इज आर वन, ओ बी इज आर टू, तो हमारे पास जो ये बी ए डिस्प्लेसमेंट आता है इसकी वैल्यू आर वन माइनस आर टू आ जाएगी। ठीक है, अगेन अगेन देखते हैं, सिमिलरली ओ बी सॉरी ओ ए, ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल्स टू ओ बी। अब हमने इसके एरो को इस तरह बना दिया, ओ ए के हेड पर ए बी का टेल रखा हुआ है, इस वजह से हमारे पास ओ बी इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। हम लिख सकते हैं ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल्स टू ओ बी। ओके, ओ ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है, आर वन, ये हमारे पास ए बी है और ये आर टू है, तो यहाँ से ए बी की वैल्यू लिख सकते हैं आर टू माइनस आर वन। ओके, ये दोनों डिस्प्लेसमेंट हमने मेज़र कर लिया, एक ए बी है जो आर टू माइनस आर वन है, एक बी ए है जो कि आर वन माइनस आर टू है। ठीक है, ओके, नाउ फ्रॉम कूलॉम्स लॉ एफ ए बी, पहले एफ ए बी का मतलब समझते हैं, ये आपका फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी है, ए पर लगने वाला फोर्स बी की वजह से, ए पर बी किधर फोर्स लगाता है वो इसे इधर रिपेल करेगा, तो ये एफ ए बी होगा। ठीक है, तो एफ ए बी का डायरेक्शन किधर होगा, बी ए के डायरेक्शन में, जिस ओर बी ए का डायरेक्शन है, बी ए का डायरेक्शन अभी कितना किधर दिख रहा है आपको, इधर दिख रहा है, तो बी ए के डायरेक्शन में ही एफ ए बी का डायरेक्शन होगा। आइए समझते हैं, लिखते हैं फॉर्मूले के थ्रू, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन में
बी ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और फिर यहाँ पर बी ए कैप लिख देते हैं। बी ए कैप रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को, ठीक है। हमने एक फॉर्मूला यहाँ पर पढ़ा हुआ है, ए कैप इज इक्वल्स टू ए वैक्टर अपॉन मॉड ए, ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है यूनिट वैक्टर का। यहाँ से हम देख लेते हैं, वन अपॉन फोर पाई एफसाइलन नोट क्यू वन क्यू टू अपॉन बी ए का स्क्वायर और इस बी ए वैक्टर अपॉन बी ए का मॉड, ये वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। तो क्यू वन क्यू टू अपॉन फोर पाई एफसाइलन नोट और इस बी ए का क्यू और बी ए वैक्टर, यहाँ से क्यू वन क्यू टू फोर पाई एफसाइलन नोट बी ए, यहाँ पर आपने बी ए की जगह पे आर वन माइनस आर टू रखना होगा, तो आप लिख देते हैं आर वन माइनस आर टू का क्यू आर वन माइनस आर टू वैक्टर, ठीक है। तो ये हमारा कूलॉम्स लॉ इन वैक्टर फॉर्म का एक्सप्रेशन आ जाता है, फोर्स के लिए है ये, ठीक है। अगेन ये वाली वैल्यू हो गई आपकी फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। सिमिलरली अगर आपको एफ बी ए चाहिए, बी पर लगने वाला फोर्स ड्यू टू ए, अब इस एरो को बदल देते हैं, बी पर ए किधर फोर्स लगाएगा, ये ए रहा ये बी है, तो बी को ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए इस दिशा में होगी, इस डायरेक्शन में होगी, बी ए का डायरेक्शन इधर होगा जो कि ए बी के डायरेक्शन के अलोंग है, ठीक है। देखते हैं, ये हमारे पास वन अपॉन, इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं, क्यू वन क्यू टू फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर टू माइनस आर वन का क्यू इंटू आर टू माइनस आर वन, ये जिस तरह से हमने एफ ए भी निकाला है उसी हिसाब से हम एफ बी ए भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बार बार करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट देख लें, यहाँ पर साइन को देखेंगे, डायरेक्शन को देखेंगे कि बी ए का डायरेक्शन ए बी की ओर है और एफ ए बी का डायरेक्शन बी ए की ओर है, ओके दैट्स इट। तो यही रहा आपका, यही है आपका कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। चलिए ऐसे रॉप कर एक सिंपल क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, सपोज वी हैव टू चार्ज बॉडीज, एक पे मैग्नीट्यूड 4e है प्लस 4e और एक पे प्लस ई, इनके बीच सेपरेशन 2 मीटर गिवन है, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं बिकॉज ये दोनों के दोनों पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, ओके तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि हम एक चार्ज बॉडी को इनके बीच रखते हैं, कहाँ पे रखें कि ये पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए, ये हमारा क्वेश्चन है। मान लीजिए हमने यहाँ पर एक चार्ज बॉडी को रख दिया, यहाँ पर एक चार्ज बॉडी को रख दिया और इस चार्ज बॉडी का जो साइन होगा दैट शुड बी नेगेटिव। नेगेटिव इसलिए होगा ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं बट ये उनको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। दिस नेगेटिव चार्ज विल अट्रैक्ट दीज टू बॉडीज एंड मेक देम इन इक्विलिब्रियम, ओके तो इसलिए हमने इसके साइन को नेगेटिव लिया। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, हमसे ये पूछा गया है फाइंड द पोजिशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, वी प्लेस बिटवीन देम सच दैट होल सिस्टम, यहां पर होल सिस्टम इन इज इन इक्विलिब्रियम, पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए, इसके लिए हम कहां पर रखते हैं इस चार्ज बॉडी को। सपोज कर लो ये हमने x डिस्टेंस यहां पर इस पे रख दिया, तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा 2 माइनस एक्स, ये पूरा का पूरा 2 है, इसे आप a लेट कर लो, इस पॉइंट को आप b लेट कर लो, इसे हम c लेट कर लो, आसानी होगी समझने में। चलते हैं शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की, आंसर की शुरुआत करते हैं, ठीक है ओके यहाँ देखते हैं ये b है,
तो b को ये प्लस फोर ई अपनी ओर खींचेगा, प्लस ई अपनी ओर खींचेगा, नेट फोर्स इस पर जीरो होना चाहिए क्योंकि ये भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। देखते हैं b के लिए, ये b पॉइंट हो जाता है, b को c जहाँ पर प्लस ई चार्ज है ये इस चार्ज बॉडी को अपनी ओर खींचेगा, इसे आप लिख देंगे एफ सी। अगेन इस बी चार्ज बॉडी को, बी पर जो प्लस क्यू है इसे प्लस फोर ही अपनी ओर खींचेगा क्योंकि ये भी अपोजिट साइन के हैं, तो इसे आपने अज्यूम कर लिया एफ ए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एफ ए शुड बी इक्वल्स टू एफ सी, एफ ए और एफ सी इक्वल होने चाहिए क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम इक्विलिब्रियम में। तो आइए बात करते हैं एफ ए की। एफ ए में देखते हैं ये डिस्टेंस एक्स है इनके बीच और इनका चार्ज प्लस क्यू एंड सॉरी माइनस क्यू एंड प्लस ई प्लस फोर ई है, तो हम लिख देते हैं 1/4 पाई एफ साइलन नॉट 4e इंटू क्यू अपॉन में एक्स का स्क्वायर। एफ सी के लिए देखते हैं तो यहाँ पर q है और यहाँ पर e है, इनके बीच का सेपरेशन 2 माइनस एक्स है, तो 1/4 पाई एफ साइलन नॉट क्यू इंटू ई अपॉन 2 माइनस एक्स का स्क्वायर। देखिए यहाँ पर सिर्फ हम मैग्नीट्यूड को लेंगे, साइन को नहीं लेंगे, हम यहाँ माइनस क्यू नहीं रखने वाले, यहाँ पर सिर्फ माइनस ये रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ फोर्स अट्रैक्टिव होगा या फिर रिपल्सिव होगा, तो हम उसके सिर्फ मैग्नीट्यूड को लेते हैं। ठीक है, ये देखिए कैंसिल हो जाता है, इससे ये कैंसिल हो जाता है, ई से ई कैंसिल हो जाता है, इधर फोर हो गया और इधर आपका एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाता है। और फाइनली यहाँ से देखेंगे तो ये फोर है, इधर एक्स अपॉन में 2 माइनस एक्स का स्क्वायर है और इस स्क्वायर को इधर लाते हैं, ये 2 बन जाता है, एक्स अपॉन में 2 माइनस एक्स, एंड एक्स की वैल्यू फाइनली कैलकुलेट करेंगे तो 4 वो आपके 4/3 मीटर आ जाती है। हमें पोजीशन के बारे में पता चल जाता है, ये 4/3 मीटर है फ्रॉम प्लस फोर ही, ये एक्स की वैल्यू हमने मेज़र कर ली। ठीक है, नाउ इस चार्ज के मैग्नीट्यूड के बारे में भी देखते हैं, मैग्नीट्यूड कितना होगा इसको भी समझते हैं। तो अब हमने इस सी पॉइंट को ले लिया, टेक पॉइंट सी, और सी पर हम देखते हैं क्या क्या होता है, कौन कौन से फोर्स लगते हैं। देखिए सी है ये ए इस सी पॉइंट को रिपेल करेगा इधर की ओर, इसे आप एफ ए लेट कर लें। ठीक है, यहाँ पर क्या रखा हुआ है, प्लस ई, यहाँ पर प्लस फोर ई, इन दोनों में रिपल्शन होगा, तो ये जो ए है इस सी को अपने से दूर रिपेल करेगा और उसे आप एफ ए कॉन्सिडर कर लेते हैं। ठीक है, नाउ बात करते हैं इस बी की, जहाँ पर ये माइनस क्यू रखा हुआ, ये इसे अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा क्योंकि ये दोनों अपोजिट साइन के हैं, आप इसे अज्यूम कर लें एफ बी। ओके, ये पॉइंट सी है आपका और सी पर लगने वाले इन दोनों फोर्स को हमने ऑब्जर्व कर लिया। ठीक है, यहाँ पर भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर भी एफ बी शुड बी इक्वल्स टू एफ ए होना चाहिए। ओके, बात करते हैं एफ बी की, तो एफ बी की वैल्यू 1/4 पाई एफ साइलन नॉट बी के थ्रू सी पर लगा हुआ फोर्स, तो इन दोनों का हमने मैग्नीट्यूड क्यू और ई लिया, इनके बीच का सेपरेशन 2 माइनस एक्स लिया। एफ ए के लिए देखते हैं, ए सी पर जो फोर्स लगा रहा है वो इस डायरेक्शन में है, मैग्नीट्यूड ई और फोर ई होंगे। ओके, ई एंड फोर ई होंगे और सेपरेशन 2 का स्क्वायर हो जाता है, यहाँ से कैंसिल कर लेते हैं, ई से ई कैंसिल हो जाता है और फाइनली क्यू की वैल्यू आ जाती है 2 माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर एंड 4e। अब यहाँ पर आप एक्स की जगह पे जो हमने वैल्यू मेज़र कर रखी है वो रख देते हैं, तो ये आ जाता है आपका 6 माइनस 4 2 4/9e, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है इसलिए हमने यहाँ पर साइन नेगेटिव लगा दिया। तो हमने यहाँ पर पोजीशन और मैग्नीट्यूड को